नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चहेता बाबा, आप देख रहे हैं टेक टॉक्स बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के अपडेट देखेंगे तो बहुत स्पेशल होने वाले दोस्तों। पहला अपडेट देखेंगे तो लेनोवो की तरफ से है दोस्तों। लेनोवो का कैरेमी स्मार्ट वॉच रिलीज़ होने वाला है दोस्तों। सितंबर 15 को लॉन्च होने वाला है। ये ऑफलाइन में नहीं आने वाला, सिर्फ ऑनलाइन में आने वाला है। ऑनलाइन में भी दो प्लेसेस में अवेलेबल होने वाला है, क्रोमा एंड फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होने वाला है। अमेज़ॉन में नहीं मिलने वाला है ये। इसका प्राइस देखेंगे तो 3499 रुपीज़ है दोस्तों। और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो दोस्तों 1.3 इंचेस का IPS कलर डिस्प्ले साथ आने वाला है, वो भी कर्व्ड डिस्प्ले। और इसमें पेडोमीटर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, ये फीचर्स आने वाले हैं दोस्तों। और इसे देखेंगे तो IPS 68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट साथ आने वाला है दोस्तों। और कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज से 7 डेज़ का बैटरी लाइफ मिलने वाला है स्मार्ट वॉच को। सितंबर 15 को लॉन्च होने वाला है दोस्तों ये स्मार्ट वॉच। सिर्फ फ्लिपकार्ट एंड क्रोमा में अवेलेबल होगा, अमेज़ॉन में नहीं अवेलेबल होगा अब दोस्तों। और दूसरा न्यूज़ देखेंगे तो दोस्तों फेसबुक की तरफ से दोस्तों, फेसबुक ने भी स्ट्रीमिंग टीवी डिवाइस लॉन्च करने वाला है दोस्तों। एप्पल टीवी एंड फायर टीवी के बाद फेसबुक भी आने वाला है। इसका नाम पोर्टल टीवी रखा गया है दोस्तों। इसका फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के देखेंगे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला दोस्तों। किसी तरह के रूमर्स नहीं हैं। कुछ रूमर्स है कि इसमें इनबिल्ट स्पीकर्स होने वाले हैं, इनबिल्ट माइक्रोफोन होने वाला है, इनबिल्ट कैमरा होने वाला है दोस्तों। इतना ही पता चला, इससे आगे कुछ भी नहीं पता चला। ज़्यादा रूमर्स नहीं आए दोस्तों। कब लॉन्च होने वाला है, लॉन्च डेट क्या है, ये भी पता नहीं चला दोस्तों। और दूसरा देखेंगे तो रियलमी की तरफ से दोस्तों, रियलमी 5 फ़ोन को अपडेट मिल चुका है दोस्तों। इस अपडेट में देखेंगे तो कैमरा फीचर्स कुछ अपडेट होने वाले हैं और सिस्टम भी थोड़ा अपडेट होने वाला है दोस्तों। फ़ोन का सिस्टम भी थोड़ा अपडेट होने वाला है। पहला अपडेट देखेंगे तो दोस्तों अगस्त में मिल चुका है पहला अपडेट मेरे ख्याल से। और ये दूसरा अपडेट है दोस्तों, ये दूसरा अपडेट में सिक्योरिटी पैच भी मिलने वाला है। सिक्योरिटी पैच से विंडो सिस्टम और कैमरा के फीचर्स थोड़े इंप्रूव होने वाले हैं। कैमरा के फीचर्स देखेंगे तो SDR मोड कैमरा, पोर्ट्रेट नाइट में पोर्ट्रेट मोड से पूरे अपडेट होने वाले हैं। और सिस्टम की बात करेंगे तो डिजिटल वेल ब्रिंग के साथ आने वाला है दोस्तों। आपको पता होगा डिजिटल वेल ब्रिंग, कुछ लोगों को नहीं पता होगा डिजिटल वेल ब्रिंग के बारे में। इसको देखेंगे तो ये डैशबोर्ड सर्विस है दोस्तों। आपके फ़ोन में एक ऐप को लेंगे तो एक ऐप में कितने नोटिफिकेशंस आए हैं, उसे आपको आप कितने समय तक यूज़ किए हैं, कितने घंटे यूज़ किए हैं, कितने मिनट यूज़ किए, वो आपको आप कितने बार ओपन किया है, इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन होगा एक ऐप को लेकर। इसे डिजिटल वेल ब्रिंग कहते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला अपडेट देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो CPU यूसेज का इशू था उसे फिक्स करते हुए इसे अपडेट को दिया है दोस्तों। इस अपडेट में देखेंगे तो इसे इशू को सारा फिनिश कर देगा दोस्तों। ये अपडेट आ चुका है, आपने PC में भी अपडेट कर दिए, जो आपके PCs होंगे, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सब में आया होगा, अब अपडेट कर दीजिए दोस्तों। और अगला न्यूज़ देखेंगे तो दोस्तों अमेज़न की तरफ से, अमेज़न भी हार्डवेयर एंड सर्विसेज का इवेंट करने वाला है दोस्तों। इसका लॉन्च डेट दे चुका है। इसका लॉन्च डेट देखेंगे तो सितंबर 25 को इसका लॉन्च डेट अनाउंस कर चुका है दोस्तों। एप्पल इवेंट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस सारे देने के बाद अब अमेज़न भी देने वाला है दोस्तों हार्डवेयर सर्विसेज को इवेंट देने वाला है दोस्तों। और दूसरा न्यूज़ देखेंगे तो वीवो की तरफ से दोस्तों, वीवो ने अपना फन टच OS 9.1 रिलीज़ करने वाला है दोस्तों। इसका आप पिछला अपडेट देखेंगे तो फन टच 4.5 है, मुझे पता होगा 4.5 आई थिंक, हाँ वही है। 4.5 देने के बाद इतना बड़ा नंबर, इसमें क्या कुछ भी पता नहीं है। 4.0 देने के बाद 9.1 क्या रिलीज़ करना है इसे, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। 9.1 रिलीज़ होने वाला है फन टच वीवो की तरफ से दोस्तों। ये सितंबर 17 को रिलीज़ होने वाला है दोस्तों फन टच OS 9.1। देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है इसमें। आज के अपडेट्स में इतना ही दोस्तों। जब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।